हेलो फ्रेंड्स, तो मैं वापस आ चुका हूँ तो दूसरी वीडियो के साथ। आज मैं आपके लिए लाया हूँ शैडो फाइट 2 का कॉड हैक, और साथ ही एक चीज मैं आपको बोलने जाता हूँ, इसमें आपको मिलेगी इन्फिनिटी एनचैनमेंट, यानी कि एक डैमेज अब्जॉर्प्शन बहुत सारे डैमेज अब्जॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो में एक बार पॉज कर रहा हूँ लिंक लेने के लिए। अब आप लोग पूछ रहे हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिलेगा, बल्कि क्या क्या मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा अंडरवर्ल्ड के किंग टेनिब्रिस का पूरा शरीर और उसकी ऊपर का जो सर होता है। आपको मिलेगी इन्फिनिटी एनचैनमेंट्स, यहाँ पे आपको मिलेगी अनलिमिटेड एनचैनमेंट्स, सभी चीज़ें। तो सबसे पहले हैक शुरू करते हैं। ये वाली फाइल की लिंक है, तो सबसे पहले आपको करना है, तो आपको बस इसे अभी इस लिंक को अभी आपको इंस्टॉल कर देनी है। तब तक आपको तो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है ZArchiver। आपको करना है तो आपको बस अभी एंड्रॉयड डाटा, अरे हाँ कैसा बोल गया, मैंने मेरा पुराना APK तो डिलीट कर दिया था। आपको बस करना है तो आपको एक फोल्डर बना के रखना है जिसका नाम होना चाहिए SF2God है, यहाँ पे आपको लिख देना SF2God हैक, ये लिख दी। यहाँ पे अब आपको करना सिर्फ इतना है, आपको अभी ये जो मेरे पास ये जो गलती से पुराने सारे जोन सर्विस थे उन सभी को मैं अभी डिलीट करना चाहता हूँ। हाँ, अब आपको करना है, आपको अभी इसे देखना है, अभी 10% हो चुका है। तब तक आपको करना सिर्फ इतना है, आपको डाउनलोड्स वाले फोल्डर पर जाके जो बेकार की चीज़ें आपको से हटा देनी, व्यू ये पी के मोड बाय रुद्रानियम को मैं भी करूँगा नहीं। अब मैं सिर्फ करता रहा हूँ, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस अभी ZArchiver को ऐसे रखना है, ऐसे क्रोम पे जाके आपको अभी बस इसे डाउनलोड होने लेना है, मैं समझूंगा तो अभी हो जाएगा। तो बस गाइस, अब आप देख पर अभी हो गया। अब आपको करना है तो आपको अपना ZArchiver को यहाँ पे डाउनलोड नाम का फोल्डर दिखाई देगा, आपको उसके कोड एक मिनट रुक जाइए आप लोग। तो बस गाइस, अब आपको अपना इंटरनेट को भी ऑफ कर देना है। आपको ये जो जिप दिखाई दे रहा है, आपको यही वो जिप है, आपको बस एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक कर देना है। एक्सट्रैक्ट हेयर पे नहीं, एक्सट्रैक्ट टू अचीव नेम की, आपको ये जो आप ये नहीं है, ये तो गलत है, ये वाला नहीं है करना है। आपको जैसे आप जिप का जो लोगो देख रहे हैं, आपको उसके ऊपर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करिए। आपको जाना है डिवाइस मेमोरी पे, जो फोल्डर हम लोग ने बनाया था SF2God, आपको इस पर डाल देना है। यहाँ पे आप डालिए पासवर्ड SF2God, SF आपको पासवर्ड दे देना है SF2God बाय SF होएगा इसका पासवर्ड, आप लोग को मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। SF2God बाय SF लिखने के बाद आपको इसे एक्सक्लेमेशन मार्क दे देना है, हो गया, करिए इतना। आप ये जो APK देख रहे हैं, आपको APK को अभी इंस्टॉल कर देना है, इंस्टॉल करिए इस APK को। तब तक आप क्विक एडिट को इंस्टॉल करना है, आप देख रहे हैं ना क्विक एडिट, इसे इंस्टॉल कर देना है। तब तक आपको अपने सुपर ये हो गया एप्लीकेशन इंस्टॉल,
तब आपको अपने सुपर पर्स को खोलना है। यहाँ पे आपको क्विक एडिट से इन्हें खोल देना है। आपको बस करना है आपको सभी चीज़ों को यहाँ पे जो लिखा है आपको इन्हें सेलेक्ट ऑल करके आपको इन्हें कॉपी कर देना है। गेम को खोलना, नेट ऑन रखना है आपका ताकि इसके गेम फाइल्स हो जाए डाउनलोड। और मैं आपसे मिलूंगा जब इसके गेम फाइल्स हो जाएंगे डाउनलोड। कुछ ऐसा आएगा प्रोग्रेस नाम करके, वैसे ही आपको इसे डाउनलोड होना है, डाउनलोड करते रहना है। गेम फाइल्स डाउनलोड होने के बाद ये आपको कुछ ऐसा दिखाएगा, आपको इसे हटा देना है। रिस्टार्ट करना है आपको इस एप्लीकेशन को। आपको बस करना है आपको बस अभी इसे लोड होने देना है। लोड होने में 2 मिनट लेगा एटलीस्ट। अग्री करिए, इसे कंटिन्यू करिए। अब आपको करना सिर्फ इतना है आपको इसे ऐसे होने देना है। अब आपको एक तो नोटिफिकेशन आएगा, आपको उस कैंसिल पे क्लिक कर देना है। आपको कुछ ऐसा आएगा, आपको बस आपको अभी पंचिंग बैग से ऐसे ऐसे करके फाइट करनी है। और मैं आपसे मिलूंगा, आपको केंजी को हरा देना है, आपको इसे हरा देना है। आपको केंजी को हरा देना है, आपको लिनक्स के फर्स्ट बॉडीगार्ड शिन को हरा देना है। शिन को हराने के बाद आपको मंकी से फाइट करके मंकी से वो बैटल जीत जानी है। मैं भी गाइस जान के भी इसे अपडेट नहीं करना है आपको। अब आपको करना सिर्फ इतना, आपको अपना वेपन चूज कर लेना है। फाइट करिए इससे, शिन से आपको फाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। Thank you.
जिस दिन उसके बर्तन आपको उन्होंने ऑफ कोर्स कर दिया बेयर हैंड हो गया। हाँ कितना देरी से मैं ऐसे करते ही जा रहा हूँ। हाँ गाइस मैं ऐसे अब ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं इसे बेयर हैंड ही फाइट करना चाहूँगा। बेयर हैंड फाइट करना है मंकी। मैं आपसे मिलूँगा जब मेरी फाइट हो जाएगी। ओके गाइस अब मैं राउंड टू शुरू कर रहा हूँ। अब आपको मैं अब जैसा मैं कर रहा हूँ आपको भी वैसे ही करना है। सबसे पहले आपको इसे ओके कर दीजिए। प्रोफाइल पे जाइए, लर्न करिए, होम स्वीप को परफॉर्म करिए, यहाँ पे आइए, शॉप पे क्लिक करिए, दोबारा अपने मैप पे जाइए। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, गेम को हटा देना है। एक बार आपको अपना जेड अचीवर खोलना है। यहाँ पे आपको अपना एंड्रॉयड डाटा खोलना है। डाटा को खोलने के बाद यहाँ पे आपको com.nicky.shadowfile दिखाई दे रहेगा। आपको इसकी फाइल्स यूज़र डाटा users.xml पे जाके आपको भी क्विक एडिट से ऐसे खोल देना है। हाँ हो गया। अब चलो हैक करना भी से शुरू कर देते हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर ये जो आप ये जो नेम शैडो देख रहे हैं आपको भी इसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ जैसा मैं अभी लिख रहा हूँ आपको भी ऐसे ही कर देना है। बॉस किसी भी बॉस का आपको नाम दे देना है। ऐसे मैं देना चाहता हूँ बॉस बुचर। हाँ दे दिया। अब आपको हैक करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे बहुत सारे नाइन्स लगाने हैं। नाइन मनी पे भी अभी मैं मनी भी बदलूँगा। आपको लेवल को अभी बदलना है नहीं वरना आपको एक्लिप्स नहीं मिलेगा। एक्लिप्स मोड होता है ना, एक्लिप्स मोड वो आपको मिलेगा नहीं अगर आपने लेवल को चेंज किया तो। सबसे पहले आपको नीचे जाना है। नीचे जाइए, नीचे जाइए, नीचे जाइए। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, पर्क्स डबल स्वीप। आपको अभी इसी डबल स्वीप को इरेज कर देना है। इरेज कर दीजिए डबल स्वीप को। यहाँ पे आपको इसे इरेज कर दीजिए, पेस्ट करिए। जो चीज़ें हम लोग ने कॉपी की थी ना कॉपी, उसी कॉपी चीज़ों को आपको अभी इसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सेव कर दीजिए। अब आपको करना सिर्फ इतना है आपको अभी एपीके को एपीके को खोलिए। अभी आपको इस एपीके को सिंपली खोलना है। इस एपीके को ओपन करते ही टाइम आपको तो मैसेज आएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस अभी से उस मैसेज को आने देना है। देखिए अभी यहाँ पे दिखा रहा है ये मैसेज आ रहा है, आई देयर लेजी 951। कुछ भी मत करिए, आपको मैसेज आने का वेट करना है। ओके गाइस मेरा वो हुआ नहीं था तो मैं एक बार एंड्रॉयड डाटा com.nicky.shadowfile को एक बार खोल के देख ले। मैं ऐसे मैंने उसे दोबारा किया था पर वो मैं रिकॉर्डर में पॉज था, मैं भूल गया था। users.xml को आपको खोलना है क्विक एडिट के बाद। एक बार मैं चेक कराऊँ, चेक
ओके वही वाली है। ओके मैं काम हो गया। अब आपको अभी कुछ भी नहीं करना है, आपको बस अभी अपना शेडवेट टू खोलना है। शेडवेट टू खोल दीजिए। अभी आपको शेडवेट टू को खोल देना है। सॉरी वो जो आपको बैकग्राउंड की आवाज़ दे रही है, मैं पड़ोस में अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था इसीलिए आ रहा था। अब आपको करना सिर्फ इतना है, अरे सीधे हो जा, सीधे हो जा ना, आपको बस करना है। तो आपको ऐसे करके लोड होने देना है, आपको सर लोड होने देना है। उससे पहले मैं रोटेट ऑफ को भी डिजेबल कर देना चाहता हूँ। हाँ हो गई अब ये डिजेबल। अब आपको सिर्फ करना है, आपको बस अभी से लोड होने देना है। लोड होने दीजिए ऐसे, आपको बस इसे लोड होने देना है। मैं आपसे मिलता हूँ जब ये हो गया। ओके गाइस, ये आपको कुछ ऐसा मैसेज दिखाएगा, आपको रीलोड, आपको रीलोड दिखाई दे, आपको उसे प्रेस कर देना है। रीलोड को हटा दीजिए, गेम को बस दोबारा खोलना है। उससे पहले मैं बैटरी केबल को ऑन कर देना चाहता हूँ और उसके बाद ऑफ कर देता हूँ। इंटरनेट भी अभी मैं ऑफ हो गया, अब मैं इसे लोड होने दे रहा हूँ। ओके गाइस, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं अभी लोड होएगा, आपको बस अभी इसे लोड ही होने देना है। कुछ भी नहीं करना है, बस आपको इसे लोड होने देना है। ये देखिए एंशिएंट हैक का अभी हमारा काम तो हो गया। अब मैं आपको एक तो फाइट करके दिखा दे रहा हूँ, साथ ही उसके पहले मैं पर्क्स पे जाके आपको एक छोटी सीखा देता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें, मैं आपको एक तो फाइट करके दिखाना चाहता हूँ कि हमारा नाम बदल चुका है। ये देखिए बुचर, बुचर बुचर नाम है मेरा, बुचर बॉस बुचर। मैं एक तो फाइट करके आपको दिखा रहा हूँ, या फिर छोड़िए फाइट को भी मैं एक बार स्किप कर देता हूँ। अरे नहीं, हम लोग फाइट को स्किप नहीं कर सकते, हमें अभी ब्रिक पे पहुँचना होगा। यानी मैं आपसे मिलता हूँ जब मैं ब्रिक को डिफीट कर दूँगा। ओके गाइस, तो मैं ब्रिक को इसलिए डिफीट कर रहा हूँ, ब्रिक को डिफीट करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपको पता है क्यों, क्योंकि अनलिमिटेड एन्चेंटमेंट है ना, वो सिर्फ एक तो एन्चेंटेड वेपन पे लग सकती है। यानी कि जो वेपन पहले से एन्चेंटेड हो, यानी कि जैसे कि निंजा स्वर्ड, कोनिकल हैट, ये सारी चीज़ें एन्चेंटेड होती है ना, तो फिर वही काम आती है। अब मैं तो पर्स चेक कर लूँ तो आपको सिर्फ करना होता है, देखिए आपको अपना पहला एन्चेंटेड हेलम खरीद लेना है। लीडर जैकेट को भी आपको अभी बाय कर लेना है, साय को भी आपको अभी बाय कर लेना है। अब मैं फाइट करता हूँ ब्रिक से और मैं आपसे मिलता हूँ जब मैं ब्रिक को डिफीट कर दूंगा। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, अब मैंने ब्रिक को हरा दिया। ब्रिक को हराने के बाद अब आपको करना सिर्फ इतना, ओके कर दीजिए, देखता है बस। अब आपको अपने जो भी चीज़ें उन्हें आप जो देख रहे हैं ना, आपको बस इसे अपग्रेड कर देना है। जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, बस अब आप इसे अपग्रेड कर दीजिए। अपनी पूरी इक्विपमेंट को आपको अपग्रेड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हो गई, अब हो गया। अब आपको सिर्फ करना है, आपको अभी गेम को रिमूव कर देना है। एक बार आपको अभी अपना जेड आर्चीवर खोलना है, एंड्रॉयड डाटा खोलिए। डाटा पे जाने के बाद आपको com.neki.shadowfight खोलना है। com.neki.shadowfight फाइल्स, यूज़र डाटा पे जाके आपको users.xml को भी आपको ओपन करना है क्विक एडिट के साथ।
ऊपर लिए। अब आपको सिर्फ करना है तब वहाँ पे ये सभी चीज़ें दिखाई दे रही होगी। करिए तो आपको बस अभी एक चीज़ को भी आपको ले ही लेनी है। कहाँ है वो आपका कोई भी चीज़ जो एन्चेंटेड हो उसका दिखाता है ना। हाँ ये रहा, ये आपको दिखाई दे रहा है ना आइटम स्पेशल डैमेज अब्सॉर्प्शन हेलम। आपको बस करना है तो आपको ये पर सिलेक्ट करना है आपको आइटम स्पेशल डैमेज अब्सॉर्प्शन हेलम को आपको नीचे पे लेके जाना है। यानी कि आपको इसे नीचे सेलेक्ट आना नीचे आ गया। अब आपको करना है तो आपको इसे नीचे का आपको एक पर्क दिखाई दे रहा है, पर्क पे आइए, पर्क आना हाँ आ गया। कॉपी करिए, नीचे जाइए, आपको इसे पेस्ट करते रहना है, पेस्ट करते रहिए, आप पेस्ट करिए नीचे जाके। अब आपको अब इसे दोबारा पेस्ट कर देना है जैसे अभी मैं करते ही जा रहा हूँ। हो गया, अब आपको इसे सेव कर देना है। सेव पे क्लिक करिए, सेव एज पे क्लिक मत करिएगा, उसके बाद आके मुझे मत बोलिएगा हमसे गलती हो गई तो भाई हमारा कर दे, आपको खुद ही करना होगा। अब आपको अपना शेडो फाइट टू खोल देना है। अब आपको अपना शेडो फाइट टू खोलते वक्त एक चीज डाल सकनी है आपको, वो मैसेज आ सकता है योर डेटा में गॉड बी करप्टेड, प्लीज़ रीस्टार्ट द एप्लीकेशन, डू इफ हैपेंस एनी प्रॉब्लम कॉल टू दिस सपोर्ट। इस सपोर्ट को आपको कॉल करना है। प्लीज़ डू नॉट अनइंस्टॉल द गेम टू अवॉइड सेव गेम लॉस। ये सब लिख के भेजते हैं ये लोग। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस अभी से लोड होने देना है। ये आपको कुछ ऐसा दिखाई रहा है, रीलोड पर टैप करिए जैसे अभी मैं करते ही जा रहा हूँ। हटा दीजिए इसे, ओपन करिए अब आप शेडो फाइट टू। ओपन कर दीजिए अब आप, आखिर आपको तो अब ओपन करना ही आएगा। ओके गैस, तो वो पड़ोस का जो कंस्ट्रक्शन था वो भी अब बंद हो गया, अब ये लोड होएगा। ऐसे आप लेटर पे क्लिक करके ओके पे प्रेस करिए, वेपन्स पे आइए, यहाँ पे आप आइए। ये देखिए आप देख पा रहे हैं हमें इन्फिनाइट एन्चेंटमेंट्स मिल चुकी है। ये देखिए आपको कॉनिकल हैट मिल गया इतने सारे डैमेज अब्सॉर्प्शन के साथ। इतने सारे डैमेज अब्सॉर्प्शन आपके बहुत काम आएंगे। जो ट्रिक मैंने आपको बता दी वो तो आप करना ही ज़रूरी है, वो सब चीज़ अभी आपके हाथ पे। आपको बाकी सारी चीज़ें तो बस गाइस मुझे आपका आज की वीडियो में इतना ही सही है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही जो अगली वीडियो होगी वो होगी शैडो फाइट 2 के गॉड मोड के ऊपर। मैं आपके लिए लाऊंगा गॉड हैक गॉड मोड का। बस गाइस आज वीडियो में इतना ही, बाय बाय।